क्रिप्टो की कैंडल इतनी तेज नहीं होती जितनी बड़ी इनकी कैंडल तेज होती है। हाँ व्यूअर्स, ऑर्गेनिक ग्रेप फ्रूट खाने तो अच्छा वक्त आएगा, साल में 5-6 निकलते हैं, देखें आपका नंबर आता है कि नहीं। सोचे हीरो हीरोइन ऐसे जा रहे हैं जैसे मुनीप भाई जा रहे हैं, कैसा लगेगा? जनवरी में हम आएंगे और हम आके यहाँ करेंगे। सवाल व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से सोते हुए चेहरे के साथ और आधी नींद, आधी क्या बल्कि खुद भी नींद पूरी ना होने के साथ अगेन आज हम आप लोग की खिदमत में हाजिर हैं। हम लोग जो है वो ये टाइम अभी हो रहा है 6:10, 6:15 के अगर सही करेसी के बाद हम जो है वो अपनी बस जल्दी जल्दी तैयारी करके उठे। इन्हीं कपड़ों में सो गए थे हम सारे, यही कपड़े, और अभी भागे भागे पहुँच रहे हैं शेख साहब के स्पॉट पे। स्पॉट पे पहुँचने की वजह ये है कि हमने देखना है सनराइज़, और सनराइज़ की जाना हमने पूरी पिक्चर वीडियो बनानी है, कि उनका कहना है कि यहाँ पे जो सनराइज़ होता है वो शहर से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास बिल्डिंग नहीं है, रोशनी नहीं है, चीज़ें नहीं होती, तो बड़ा खूबसूरत जो है ना वो सनराइज़ होता है। सो बस सामान पैक हो गया, चीज़ें हो गई हैं रेडी, अब हम निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, आपको बताते हैं आगे जो है वो। और अगेन यस, माजरत कल के दिन को एंड नहीं कर सके थे, जल्दी होती सरप्राइजेस की बहुत ज़्यादा भरमार थी। यहाँ की धुंध, यहाँ का जो फॉग है वो आपको जो है ना बिल्कुल ही बड़ा डिफरेंट है। हम लोग इनकी ड्राइविंग में, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं शेख साहब? सर हम लोग फार्म हाउस में जा रहे हैं 45D 45G, और वो विलेज है और प्रॉपर विलेज है, विलेज की इनसाइड है, वहाँ पे सनराइज के जो भी विलेज लाइफ है वो एक्चुअल वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। हाँ उसको एक्सप्लोर करें। और लेट हो गए हम? ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट है हम लोग। जबरदस्त, व्यूअर्स आपने अपना हमारा सफ़र देखा होगा, हम सफ़र करके जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अब हम इंशाल्लाह उतर के जा रहे हैं और हम वेट करेंगे सनराइज़ का। तो लेट्स डू द सन, लेट्स वेट फॉर द सनराइज। अच्छा जी, ये सनराइज़ के लिए कहाँ पर सबसे अच्छा स्पॉट है शेख साहब? हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वहीं जा रहे मुर्गियों की तरफ। मुर्गियों के ऊपर छत पे चलते हैं, वो छत जरा बड़ी है। चलें जी शेड के ऊपर चलते हैं, वहाँ से बनाएंगे। हम लोग जा रहे हैं उस शेड की तरफ, वहाँ पर जो है वो उसकी छत पे जाकर बनाएंगे वीडियो। ये बॉयलर है जो टेम्परेचर को अंदर मेंटेन करता है, ठीक है। ये बॉयलर है जहाँ अंडे बनते हैं। ये सब्जियाँ लगी हुई हैं यहाँ से, ऊपर जाएंगे समझ आ रही है। ये सारी बहुत सब्जियाँ लगी, उधर भी आगे भी सब्जियाँ लगी होंगी, और इसी से अभी ये जो आप साग खाते हैं, हाँ जी, जो आज हमने खाना है जो फेवरेट तरीन चीज होती है, ये गाय भैंसों का चारा लगा हुआ है, इसी के अंदर ही साग की गंदली होती है। अच्छा, हाँ जो निकलती है वो इसमें से निकलती है। ये तिल की छड़ियाँ यहीं से है ना ऊपर? हाँ जी यहीं से ऊपर चले, यहाँ से आपको जरा माहौल मजेदार हो जाएगा। चले चले सही लगा। चारों तरफ जमीन अपनी है, ये सारी, हाँ ये सारी चारों तरफ माशाल्लाह अपनी। ये ऊपर ये दब क्यों रहा है? ये क्योंकि ऊपर से पक्की नहीं है। अच्छा, जमीन को पक्का नहीं ना किया हुआ। अच्छा, टेम्परेचर की मेंटेनेंस की वजह से। और ये जो दीवारें बनी हुई हैं, इसके दरमियान में थर्मापोल होता है,
टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जब सर्दियों में मेंटेन करने के लिए बॉयलर कम चलाना पड़ेगा, गर्मियों में मेंटेन करने के लिए फैन कम चलाने पड़ेंगे। तो एक दफ़ा आपका ईंधन बचेगा, कॉस्ट कटिंग, एक दफ़ा आपका वो कॉस्ट कटिंग कर जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो जो हम सनराइज़ देखने आए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि देखें, ये देखें यहाँ साइड डार्क है, ठीक है जी, जो कि मतलब डल डार्क है, और ये देखें ये इनके दरमियान में जो कि खाला अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, और ये वो सनराइज़ है। तो आप इन्जॉय करें। खाना, पानी, टेम्परेचर, फैन, हर चीज को वो किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक है, गाड़ी पे वैसे मास्क पड़े हुए थे, ये सारा कंट्रोल रूम है, इसको बंद करें। ये बिग बर्ड का लगा हुआ है सारा, और ये हमने मैंने चाइना से मंगवाया था। अच्छा, ठीक है, ये वो चीज है। अब इधर आ जाए, ये कंट्रोल रूम है, ठीक है, आम बाद में अंदर आ जाए, आ जाओ। ये नीचे ये धाई है, ये चावल का है, ये चावल का है, चावल चावल जो आप लोग खाते हो ना, उसके ऊपर ये धाई होता है। ठीक है, ये फैन लगे हुए हैं, ये 12 फैन लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो छोटे वाला, ये पानी की है, ये पानी की है। ये जो आप लोग देख रहे हो ये फीड है, खाना जो खाती है मुर्गियाँ। ये नीचे आप इसको ये साफ करेंगे, समझ आ रही है बात? यहाँ पे 40-42 हजार मुर्गी पलती है, ये सारी ऑटो रोलिंग है, ये चलती रहती है। ठीक है, ये ऑटो चलती रहती है, इसमें पानी आता है, इसमें खाना आता है, ये सारा जो जहाँ पे आता है ये आपको आगे से विजिट करवाते हैं, ये अलग जगह से आ रहे हैं। अच्छा, ये जहाँ पर आगे नहीं डालते, ये पीछे पूरा ऑटो है, वो पीछे से पानी डालेंगे, पीछे से डालेंगे, और वो एंड तक यहाँ तक आएगा। ऊपर इनके पाइप्स है, वो यहाँ से पानी, ये चूजा जो है इसको टच करता है, पानी आ जाता है। ये देखें पानी आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, इसी तरह फीड है। ठीक है, क्या जोन में गाने? चूजे का खर्चा की हो गया 100 रुपया 50 रुपया। ये इसका जनरेटर सिस्टम है, जनरेटर का डीपी रूम अलग होता है, जैसे कि वो सामने बना हुआ है, इसमें आपको वो सामने लिखा हुआ आ रहा है बाबडा, बाबडा बड़ा जनरेटर, छोटा जनरेटर। ठीक है, ये क्या चीज है कि ये एक सेकंड के लिए ये लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये एक दफा की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 2 करोड़ के करीब चली जाती है। नहीं सर, 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। अगर ये लाइट गई, लाइट जाने के बाद बड़ा जनरेटर चलेगा फौरी, बड़े जनरेटर में कोई प्रॉब्लम बन गया छोटा जनरेटर चलेगा। ये चलते नहीं है, ये बैकअप के लिए पड़े होते हैं। सही है, पीछे पूरा फ्यूल का टैंक लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ये सेकंड्स के लिए भी बंद हुआ ना, तो ये अंदर मुर्गियां मरना स्टार्ट हो जाएंगी विद इन 2-5 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन टाइम एंड डिपेंड्स ऑफ सिचुएशन, विद इन सम मिनट्स ये सारी मुर्गियां मर जाएंगी। ठीक है, और आपका 2 करोड़ रुपया 4-5 मिनट लेगा। मतलब क्रिप्टो की कैंडल इतनी तेज नहीं होती जितनी बड़ी इनकी कैंडल तेज होती है। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये कि इतनी रिस्की इन्वेस्टमेंट है ये। हाँ, अगर एक्सपीरियंस से ना हो, अगर एक्सपीरियंस ना हो तो। ये सारे इनके फैन है जो अंदर के टेम्परेचर को और स्मेल को मेंटेन करते हैं। अगर ये ना चलते हो, ये स्मेल ना निकले, बंदे पागल हो जाते।
खिड़कियां रेड कलर की अलमारियां देख रही है ना, ये मतलब अलमारियां हैं जो कैचिंग करते हैं, जिससे मतलब अंदर से मुर्गियां पकड़ते हैं और बाहर मुर्गियां ये देते हैं उनको। अच्छा अच्छा, तो कैचिंग जो ट्रक्स वाले आते हैं वो यहीं आते हैं? वो यहाँ आते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं जी, ये वेदर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। अब ये एक और चीज आ गई है, ये इसको हम बोलते हैं पैड। पैड पैड मतलब ये आप देख रहे हैं, ये पैड टूटा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, या भी इन्होंने पैड्स को कवर कर दिया। यहाँ से हल्का सा आपको साइड से नजर आ रहा होगा जी, ये पानी चलता है यहाँ पे। ये अभी तो चूजा निकल गया है जिसकी वजह से ये बंद हो गया है, अदरवाइज जो गर्मी है ये वो तो नहीं चीज मादा की बात करते हैं, जो कूलर लगता है घरों हाँ, हाँ, में ये वही चीज है। हाँ हाँ वही चीज है, बस वो जो फैन है इसके फैन वो लगे हुए हैं, पानी का चलने का निजाम ये है और ये इतनी दूर से ऑपरेट हो रहा होता है। अच्छा, सारा निजाम ये आपका फीड, ये फीड रूम है, ये फीड है खाने के लिए, ठीक है, ये बड़ी महंगी फीड है। अच्छा, बहुत महंगी फीड है, फीड मिल अरबों रुपए की लगती है और ये जितनी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है ये एवं क्या 2-3 करोड़ रुपए की बोरी है। अच्छा हाँ, ये आपकी फीड क्या डलती है, इधर इधर आपकी फीड डलती है, ये इधर एक बोरी डालेंगे, इधर डाल देंगे, वो आगे चलना स्टार्ट हो जाएगी, वो पाइप की जगह ये पाइप से इस तरह पूरा एंड तक जाएगी जितना हम लोग देख कर रहे हैं। ये होती कैसी है, लेकिन ये फीड इंसान नहीं खा सकता, इंसान के लिए नहीं है, बट फिर इंसान इससे बनी मुर्गी खाता है, इनसे बनी मुर्गी खा लेता है। और ये वो मुर्गी है जो अपना वजन नहीं उठा सकती, ये वो मुर्गी है जो अपना वजन नहीं उठा सकती। ये मतलब जो शेड पे रहने वाले लोग होते हैं ये उनके लिए बनाता है बेसिकली नाम पूरा। अच्छा। मतलब ये किचन है, ठीक है, ये किचन है, एक रूम है, ये नहाने वाला वॉशरूम है, ये यूज करने वाला, ये भी यूज करने वाला वॉशरूम है, ठीक है, ये भी लड़कों के सोने के लिए रूम है, एक ये रूम है, ये मतलब 3-4 रूम होते हैं इनके मौजूदा लोगों के रहने के लिए, ठीक है, ये ऑफिस रूम होता है, ये ऑफिस है, इधर इन्होंने बस वो नहीं रखा हुआ मामला, ठीक है, अदरवाइज ये ऑफिस है, ये पूरा वेट कंसोलिडेट है, ठीक है, इसके ऊपर गाड़ी खड़ी होगी तो उसका वेट पता चलेगा, ये फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है 3 टन की, उसके बाद ये कैचिंग करेंगे, सामान सारा निकालेंगे, मुर्गियां अंदर डालेंगे, दोबारा इसी के ऊपर आएगी, वो निकली है 3.5 टन, तो मतलब आपका जो 50 मन है वो उसके अंदर गया है वेट, ठीक है। तो ये आम जुबान में इसको हम अब कुछ भी कांटा वेट करने वाली चीज है। हाँ, ये कांटा कहते हैं ना इसको। हाँ, जिसको कांटा कहते हैं। हाँ, ये वो वेट है, ये अपना होता है। इसी तरीके से हम आपको अभी और भी चीजें बताते रहेंगे। सूरज अपनी पीक पे आ चुके हैं माशाल्लाह से, और अब आने वाला है नाश्ते का वक्त। जो बाहर लेमन लगा हुआ है वो बेचने के लिए है, ठीक है, वो हाइब्रिड है, ये ऑर्गेनिक है, ये अपने खाने के लिए। ये माल्टे हैं यार, ये ऑर्गेनिक है, ये हमारे अपने खाने के लिए है, और जो बाहर है वो सारा बेचने के लिए स्टॉक है। देख साहब, बहुत गलत बात, बहुत गलत, बिल्कुल गलत बात, अपने खाने के लिए सब ऑर्गेनिक, बाहर बेचने के लिए। तो ऑर्गेनिक और हाइब्रिड से मुराद? हाइब्रिड से मुराद ये है कि वो प्रॉपर मतलब देसी नहीं होता। सही है। और हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको बाहर भी उसी कॉस्ट पे लाएं और बेचे, फिर लोगों ने खाना ही बंद कर देना। ये ग्रे फ्रूट अब मार्केट में नहीं मिलता, ये इतना बड़ा इस ग्रे फ्रूट का साइज होता है और अंदर से ये रेड होता है, पल्प इसके निकाल के आपको खाने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, ये लास्ट टाइम जब मेरा 3-4 माह पहले चक्कर लगा था तो सारे मैं उतरवा के लाहौर ले गया था। ये वेट लूज करने के लिए है, कैंसर के लिए है, शुगर के लिए है। ये अब बाजारों में ये नायाब चीज नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी तो ये किसी शौकीन मिजाज बंदे ने अगर अपने फार्म हाउस में या घर में किसी जगह लगाया हुआ तो लगाया हुआ है। हाँ, व्यूअर्स, ऑर्गेनिक ग्रेप फ्रूट खाने हो तो शिक्षा बस आएगा, साल में 5-6 निकलते हैं, देखें आपका नंबर आता है कि नहीं आता। सो व्यूअर्स, हम लोग ने हल्का फुल्का सा जाना वो स्टार्टर लिया है, नॉट नाश्ता, स्टार्टर, और अब हम जा रहे हैं गाँव के इस वाले
पैदल टूर पे। चप्पलों से जूतों पे आ चुके हैं सारे, जो है वो इक्विप्ड हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इनके शायद जो बाग हैं उनमें, अमरूद के बाग। अब इधर हमारे लोकल देसी बंदे, वो उनसे इसकी कटाई नहीं संभाली जा रही, जिसकी वजह से इसकी शेप और हो गई है। अदरवाइज ये बाग और तरह की शेप के होते हैं। आ जाओ जरा अमरूद के बाग में व्यूअर्स। फरहान भाई को बता देना ये सांपों की जगह है जहाँ बामा आ जा रहे हैं। चलो नहीं फरहान भाई कल आना, यहाँ पर सांप भी मिल सकते हैं फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली। ये बार बार कटते रहते हैं और फल आते रहते हैं बच्चे, ये बार बार कटाई होती रहती है, पूरे पौधे निकल जाते हैं। ये मजा व्यूअर्स जो जा रहे हैं ना, इधर अलग ही मजा है। ये बाग 40 साल चलेगा। अच्छा खुशबू आ रही है अमरूदों की, अमरूदों की खुशबू आ रही है। इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। अब ये आप पौधा देख रहे हैं जिस पौधे के पास मैं खड़ा हुआ, ये पौधा इस पौधे में और साथ वाले पौधे में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। बिल्कुल जी, इसको कोई ना कोई बीमारी लग गई है जो हमसे पकड़ी नहीं गई। अच्छा ठीक है, तो ये पौधा पूरा जल गया है। अब हम इसको निकालेंगे नहीं, इसको अब हम छोड़ देंगे। अगले साल जब दोबारा पो फुटने का मौसम आएगा, जब दोबारा मतलब पौधे रिन्यू होंगे, तो अगर तब ये रिन्यू हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर हम इसको निकाल देंगे। अब ये देखें इसकी ना इधर ग्रीनिश शेड आ रही है, कैमरे में आप नहीं दिखा पाएंगे शायद, ये ग्रीनिश शेड आ रही है। हाँ जी, ग्रीनिश शेड का मतलब ये है कि इसके अंदर अभी जान बाकी है, ये आखिरी सांसों में है, ये दोबारा चल सकता। हाँ, वीडियो कॉल होता है। फिल्मों में जो खेत दिख वो बाग दिखते हैं ना, वो ज़रा अलग होता है भाइयों, ये ज़रा सही वाला बाग है। फिल्मों में ज़रा बागों में सट के जाता है ना, मैंने सोचे हीरो हीरोइन ऐसे जा रहे हैं जैसे मुनीब भाई जा रहे हैं, कैसा लगेगा। चाइनीज पौधे का बाग है। हाँ जी, तो यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनको ठेके पे दिया है, हाँ जी, वो इसको यही देसी कल्चर से पाल रहे हैं। जो अक्सर आप इंग्लिश मूवीज की वीडियोज या उसमें हम देखते हैं, वो बड़ी आसानी से मतलब फल तोड़ रहे हैं या मामला कर रहे हैं, वो बेसिकली हाइब्रिड फार्मिंग है। ये हमारे यहाँ लोगों को हाइब्रिड फार्मिंग समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो इन पौधों को बड़े से बड़ा किए जा रहे हैं जो कि नुकसान दे। तो फिर मतलब इसका फिर आप अल्टीमेट क्या करेंगे? अल्टीमेट ये करेंगे कि अब इनको इस दफा अगर देखें आप इसकी कटिंग करवाएंगे जी, अब इनको खींचेंगे कि इसकी कटिंग करवाएं। तो इसमें से खाने वाले अभी हैं सर? बिल्कुल है, इनमें जो पके हुए हैं वो चेक करें और खाएं बस। अच्छा जी, खाना ये खाएं, ये तो नहीं है पका हुआ, कोई पका हुआ दिखे तो बताएं शेख साहब, तोड़ेंगे उसे। अच्छा चलो आओ फिर देखते हैं। अच्छा ये जो है वो इसलिए भी सही, मतलब इतना ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि शेख साहब ने कहा कि ये मेंटेन नहीं है, बिकॉज इट इज़ चाइनीज। यहाँ के लोगों को चाइनीज चीज़ पसंद नहीं आ रही, जबकि दुनिया भी चाइनीज की चीज़ों पर ही चल रही है, मेड इन चाइना। ये कितने एरिया पे है आपका बाग? ये 2 एकड़ पे है। जो ये वाला बाग है शेख साहब, ये पका हुआ है हुण तो? हाँ तो उतारो ना। पका हुआ है ना? हाँ पका हुआ है, बिल्कुल पका हुआ है। इस पर शबनम भी ठीक ठाक है सर, बेहतरीन। ये चेक करें बस इधर से आपको क्या बात, खाएं इसको जबरदस्त। अब इसका टेस्ट आपने बताना, ये जूसी आपको वहाँ नहीं मिलेगा। क्या जूसी है? मतलब वहाँ पर ना कराची में मलीर का जो होता था ना अमरूद, वो ऐसा होता था। बस ये जबकि ये चाइनीज अगर ऑर्गेनिक होता तो फिर और पता नहीं क्या चीज़ होती है। नहीं ये ऑर्गेनिक तरीके से पल रहे हैं। अच्छा, ये मिड ऑर्गेनिक है, ये ना प्रॉपर हाइब्रिड फार्मिंग है ना प्रॉपर ऑर्गेनिक है, ये जरा मिक्स है, इसलिए इसका टेस्ट बड़ा मजेदार है।
ठीक है, मैक्सिमम ये मतलब जूसी है यार, अच्छा खा। उसकी वजह ये है कि जब ये पौधे मैंने लगाए हैं तब मैं फार्मिंग कर रहा था खुद। अच्छा, ये बाग मैं खुद चलाता रहा हूँ। अच्छा, तो स्टार्टिंग इसकी ऑर्गेनिक से हमने की थी, फिर इसकी कॉस्ट कटिंग नहीं हो सकी हमसे। कॉस्ट कटिंग से महाराज ये है कि लोग उतने में खरीदते नहीं है जितने में ऑर्गेनिक फल पड़ता है। तो फिर ये अब ये देखें, ये बेहतरीन फल है ये भी, ठीक है। ये कच्चा है, जो कच्चा खाते हैं मतलब कुछ लोग। गदर है ये, गदर हल्का कच्चा, वो हल्का कच्चा वो जूसी होता ही है, इससे भी ज्यादा नहीं। इसका अपना टेस्ट होगा, कुछ लोग ये खाते हैं। कौन सी पक्का कौन मतलब तोड़ तोड़ इसका अपने टेस्ट ही बहुत मजेदार है। अस्सलाम वालेकुम संजय, क्या खबर? हाय यार, आ जाओ चले चले भाई चले। मजा आया भाई अमरूद के बाग में से। मनी भाई मजा आया अमरूद के बाग से निकल के, मजा आ गया व्यूअर्स। कम वो बड़े बड़े ये रही कॉम्पल इसकी, ये देखो पूरा 2 एकड़ चिमखल है। ये फूल बने हैं, ये जो फूल है बेसिकली ये अमरूद है। अच्छा, दोनों एकड़ बाकी अलग अलग। ये अब यहाँ से अपनी शक्ल को बढ़ाता बढ़ाता दिस शेप में ले जाएगा, नीचे से इसके अमरूद निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर से ये पौधे होंगे, फूल होगा, वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात, ठीक है, मान लो। तो ये सूरत है, फिर ये ऐसे सब बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता होता ये शेप आ जाएगी, जरा शेप बढ़ती जाएगी इसकी। ये जो बाग है, इस बाग के अंदर जो आपको ट्री बड़े वाला नजर आ रहा है जी, इस ट्री के ऊपर इंशाल्लाह ताला ट्री हाउस बनेगा। अच्छा, बस एक छोटा सा रूम होगा, एक दो लोगों की सोने की जगह, तो 4-5 लोगों की बैठने की जगह, तो वो एंजॉय करेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। क्या बात, ट्री हाउस को नेक्स्ट आपके टूर पे इंशाल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त। तो नेक्स्ट टूर पे कब तक इंशाल्लाह? नेक्स्ट टूर बस आपका अगले साल है। क्या बात व्यूअर्स, अगले साल इंशाल्लाह नया सरप्राइज आप लोगों के लिए यहाँ पर। ट्री हाउस ये क्या है शेख साहब? ये सर गन्ने जो आप चीनी खाते हो। अच्छा, ये जो आप चीनी खाते हो वो ये गन्ने, इसको कमान कहते हैं पंजाबी में। ये यहाँ से अभी बड़ा होगा, अभी ये छोटा है, नहीं तो आपको खिलाते। अच्छा, ये अभी बड़ा होगा थोड़ा, ये इसकी हाइट हमसे डबल हो जाएगी और इसका साइज मोटापे में इतना हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर ये निकाला जाएगा, फिर ये खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सुअर भी होते हैं, जहाँ अच्छा। कमान होते हैं वहाँ सुअर और गिदड़ बड़े होते हैं। अच्छा, हम लोग अक्सर कभी कोई फन ना मिल रहा हो तो फिर इनके शिकार पे निकल पड़ते हैं, लेकिन ये बंदा मार देते हैं जी। ये तो ये वो ये शिकार वो खेले जो मरने के लिए तैयार है। अच्छा, जंगली सुअर है ना ये? इतना जिगर है, हाँ ये सारे जंगली सुअर होते हैं, ये जंगल जंगल ये सारा। ट्रैकिंग जैसी कोई चीज फील हो रही है, ट्रैकिंग ट्रैकिंग से फील हो रहे हैं आपको? बहुत सारी फीलिंग्स आने वाली हैं, आ जाओ बस। व्यूअर्स, ट्रैकिंग में भी हमने जान पे खेल के वीडियोस बनाई थी, यहाँ पर भी बना रहे हैं। हाय, बाहर निकला है जिंदा, ये व्यू चेक करें। मुनीब भाई आ रहे हैं, क्या मुनीब भाई जैकेट उतार रहे हैं? जैकेट को बचा रहा था। कौन है ये लोग? ये देख रहे हो, ये आलू होता है। अब आलू ये ऊपर जो है ये इसका पौधा है, आलू इसके नीचे आलू है। इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही ना जो बादी फल होते हैं, फलियां होती हैं सामने, वो नीचे जमीन पे। ये जमीन के अंदर आलू है, ठीक है, ये नीचे आलू नजर आ रहा है आपको, वो आलू है। ये भी बन रहे हैं, पक रहे हैं, यहीं के आलू मशहूर है ना अभी? ये तैयार है? हाँ जी, दुनिया में ये तैयार है, पाकिस्तान में सब? नहीं, ये तो अभी अब लगा है एशिया में। अच्छा, ये अब लगा है, ये अब इसकी कटाई स्टार्ट होगी जनवरी फरवरी से। अच्छा, ठीक है, ये एशिया में सबसे ज्यादा आलू बनते हैं? एशिया में जो सबसे बड़ी आलू की मंडी है वो आपकी ये दीपालपुर की मंडी है, दीपालपुर की एग्रीकल्चर है, और उसके बाद आपका रशिया आता है। अच्छा। ये देख रहे हैं इधर आए, ये आपको यहाँ से रास्ता नजर आ रहा है हल्का सा दरमियान से, जैसे कुछ चलाओ, ये सुअर शुअर जंगली सुअर ये सारे वो है, ये आपको ये गिरे हुए नजर आ रहे हैं, ये जो रात को ऊ की आवाजें आ रही थी ना, ये वो सुअर है जो इधर आते हैं और खाते हैं।
ये लेकिन रात में ही निकलते हैं। हाँ ये रात में निकलते हैं। क्या आलू खाते हैं ये? आलू नहीं है खाते ने। गन्ने? गन्ने। ये हमारा लीमू का बाग है। तो उनको भगाने के लिए फिर क्या करते हैं आप? बस फायरिंग। ये साग है, ये आप लोग जो भी खाते हैं ये वो साग है। इसको देखें, ये सरसों है। ये साग सरसों, सरसों। वही सरसों और साग, इसी से कॉम्प्लेन निकलती है ना। अच्छा अच्छा। इसी के अंदर से ही चारा निकलना है सारा, इसी के अंदर से वो निकलना है। ये क्या लींबू है? ये लींबू है, ये लींबू का बाग है सारा। अच्छा, ये लींबू प्लस ये सरसों का साग। हाँ जी, वो जो पीले पीले खेत दिखाते हैं सरसों के, वो यही वाले हैं। वो ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये येलो हो जाएंगे, तो ये पूरे येलो हो जाएंगे। आप जनवरी फरवरी में आएंगे तो ये आपको नहीं, सारा नहीं येलो होगा, कुछ इसमें से ऊपर से निकलेंगे और वो येलो हो जाएंगे। जैसे शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया वाली मूवी में दिखाते हैं, सिमरन के पास जाता है। सिमरन वाला वो स्टोरी यहाँ पे जनवरी में होगी। अच्छा भाई, जनवरी में आके हमने यूँ करना है ऐसे मुनीब? व्यूअर्स देखें, जनवरी में हम आएंगे और हम आके यहाँ भी करेंगे। बाहों में चलिया, बाहों में चलिया। वजह ये कि यहाँ पे सरसों का जाना मामला सेट हो जाएंगे। बट हाँ, ये अलग बात है, अपनी सिमरन का आपने खुद इंतजाम करना होगा। सलाम अलैकुम। ये मिलो, अब ये जो कर रहे हैं ये बेसिकली बंद बना रहे हैं पानी की वजह से। ये पानी में लड़े नहीं पास थे, शहर में खेल रहे ना। हाँ, वे जमा हो गए एक लगा था लग रहे। ठीक है। हाँ, ए दसो इन की ला रहे हो? ए चारा, चारा माल वास्ते, डंगर वास्ते। अच्छा, डंगर वास्ते चारे पाने वास्ते लाया जी। ये देखो इनकी मेहनत मजदूरी चल रही है। हाँ, ये काम हम लोग आधा घंटा नहीं कर सकते, करना है चलेंगे। हक हलाल की कमाते हैं वो खाते हैं। कमाएं जरा। हाँ जी, फटा जी। अगर तो सुन गया एंजे सीधा 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 सीखो, ऐसे ऐसे खड़े थे सीखो थोड़ा जा ने है ना, इंज काटे थे इतने काटे सही। बैक एक्सरसाइज। ये हम लोग बैक डोर पे आ गए हैं, उधर से पानी ऐसे आता है, ये रास्ते बने हुए हैं। ये बंद बना हुआ है, देख रहे हो जी, ये बंद बनाया हुआ है। ये पानी इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे बंद है, पानी इधर नहीं जाएगा, वो सामने फिर बंद है, पानी उधर भी नहीं जाएगा, और ये रास्ता दिया हुआ है इधर को पानी देने को। अच्छा, ये पानी जाता है। हाँ, पानी उधर से आया ना, इधर जाएगा ना आगे जाएगा, सारा पानी इधर जाएगा, पीछे से पानी चलता रहेगा, ट्यूबवेल पानी इधर जाता जाएगा, ये पूरा शराब हो जाएगा। रेतली जमीन है जिसको हमारी जुबान में, पंजाबी जुबान में बसर जमीन कहते हैं। बसर, ठीक है, रेतली जमीन। अब यहाँ पे इस वक्त फसल नहीं हो सकती, ठीक है, और इस जमीन, ये जो जमीन है, ये जो इस तरह का व्यू आपको ये जमीन दे रही है ना, ये इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे को 50 साल पहले 100 साल पहले दरिया चलता था। ये जमीन इस वजह से ऐसी है। तो यहाँ पे फसल नहीं होती? नहीं, यहाँ पे फसल अभी नहीं होती, ये फसल होगी, इसको हमें तैयार करना पड़ेगा। क्या होगा, 3-4 फुट तक आपको ये रेत ऊपर से उठानी पड़ेगी और आगे देनी पड़ेगी। अभी आगे आपको दिखाते हैं, रेत उठवा रहे हैं उस साइड से ना, तो ये उठाई जाएगी, फिर उसके ऊपर 3-4 फुट तक नहरों से और डिफरेंट जगह से मिट्टी हम लाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर तैर डाल जाएगी, उसके ऊपर हम लोग फसल लगा देंगे। ये जिस ज़मीन से आप होकर आ रहे हैं, ये सारी ज़मीन भी ऐसी थी जो आबाद की है। अच्छा, चलें जी, हम जो है वो शेख साहब के और अब कुछ दोस्त हैं जिनको हम जाना वो मिलने जा रहे हैं, उनका खाना ये लेके जा रहे हैं। ये है आपका चीनी और चावल, चीनी और चावल, और देखते हैं भाई। ये आप देखें, ये कीड़े मकोड़े हैं जी, ये इनके पूरे ट्रैक हैं।
इंसान डिसिप्लिन भूल गए हैं, ये अपने ट्रैक से डिफरेंट नहीं होंगे। एक वो ट्रैक जा रहे हैं, एक ये ट्रैक जा रहा है, ये इनके रोड्स हैं, ये अपने ट्रैक पे जाएंगे। अब हम इन्हीं के ट्रैक से इन्हीं को फाइंड करेंगे। आ जाएं ये इन्हीं के ट्रैक पे, एक ही ट्रैक साइड पे होके साइड पे पाँव ना दे दीजिएगा। ये हमारे इंसानों की तरह नहीं है, तीन उधर चल रहे हैं तीन उधर चल रहे हैं, ये वेल डिसिप्लिन लाइन में चल रहे होंगे। आ जाए ये ट्रैक जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पहुंच गए एक ट्रैक सुराख, ये जी ये। जी यहाँ पे भी इनकी तादाद देखी, कुछ इधर से आ रहे हैं, ये जंक्शन है इनका स्टे एरिया, वो देखें कितने सारे हैं। ये देखें शेख साहब ये करने का बेनिफिट क्या है ये बताए ना हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। तो अल्लाह के साथ आपकी तजारत है, आ जाओ आगे आ जाओ, पूरा इनका जंक्शन है ये चेक करो, ये कितना बड़ा घर है, किधर है वो, ये सर ये इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह के साथ आपकी तजारत है। एक जानदार चीज जो जुबान से मांग रही है आप उसको खिला रहे हो, और जो बेजान है जो मांग ही नहीं रहा उसको खिलाने का जो सवाब है और जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको बड़ी अलग फील होगी। फील करनी है तो ज़रा करके चेक कर लो, इसकी ज़रा सेटिस्फेक्शन और होगी। ये अल्लाह के साथ तजारत है आपके मामलात की। यहाँ आपने डाल दिया, यहाँ डाल दिया, आज आगे चलते हैं। उसामा भाई जी सर, अल्लाह ताला जो है ना, अब ये देख लें आप, ये वाला है इधर 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 डाले, हेलो डालो यार। वैसे नेचर के करीब रहना बड़ा ज़रूरी है, आपके अंदर नेचर के साथ साथ इंसानियत भी बढ़ती है। अब ये चेक करें, ये पूरी ट्रैक चल रहा है इनका, ट्रैक में चलेंगे, इधर आए ये देखें, ये इनके घर हैं। अच्छा अच्छा, अब आपको ये घर नज़र आ रहे हैं, ये भी दिखाओ इनको। अब ये वाले जो घर हैं ये कंकोल के हो सकते हैं, सांप के हो सकते हैं, की होंगी संगो, संगो हो सकती है, न्योला हो सकता है, न्योला हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। डालें डालें आप इनको इजी होके, या आप इनके घर फाइंड कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं फसल के अंदर जा रहे हैं जहाँ से अपना सामान ला रहे हैं। ये देखें ये पूरा एक ट्रैक है, या आप इनके ट्रैक में थोड़ा थोड़ा डाल दें, पूरा ट्रैक आपको चलेगा। देखिए ये पूरा ट्रैक के साथ चलेंगे। अब ये जो ये देख रहे हैं सर आप, ये डिफरेंट हैं, बहुत ज्यादा होंगे यहाँ पे, ये सारे मतलब यहाँ पे अब डिफरेंट इस तरह की चीजें हैं, और ये सारी इंसानी दुश्मन है, मतलब सांप भी हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है। ये चीज है बस, हाँ आ जाओ, ये फसल के लिए तैयार हुई है जमीन, माशाल्लाह ठीक है। अब अगर इसको एक महीने के लिए इसी तरह छोड़ दिया जाए ना, हाँ जी, अल्लाह ताला इसमें नेचुरल बीज डाल देगा, जो ऐसी ताकत जमीन में पैदा हो जाएगी जो आपको फसल दे देगी, बस उसकी पैदावार कम होगी, वो ऑर्गेनिक है, बस यही ऑर्गेनिक होता है। क्या बात है, ठीक है, जो पुराने दौर में नहीं होता था। ये जहाँ से उठ रही है जी, ये खाली हो रही है, ये सारी यहाँ से उठी हुई है। अब यहाँ पे तीन तीन चार चार फुट आगे आएगी मट्टी, ये जमीन आबाद हो जाएगी। अच्छा ये उठा दी है खुद ही आप लोगों ने, मतलब ये डिफरेंट लोग ले जाते हैं ना आके, कोई रेडी वाला ले जाएगा, कोई ट्राली ले जाएगा। ये रेत है बेसिकली, जो रेत आपके घरों में यूज होती है ये वो है। अच्छा हाँ। अभी ये कहा, लोग जितनी कंस्ट्रक्शन यहाँ करते हैं वो ये अपनी जमीन से रेत उठाते हैं, कोई हम लोग बाहर से थोड़ी खरीदते हैं। अच्छा सर, और ये शेख साहब ये क्या फसल है? ये है मक्की की फसल। अच्छा, हम लोग इसको मकई कहते हैं, पंजाबी में इसको मक्की कहते हैं, उर्दू में इसको मकई कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको मतलब वो कॉर्न, हाँ, और भुट्टा जो खाते हैं आप लोग ये वो है छल्ली। ये कटाई हुई है, ये देख रहे हो जी, कटाई इस तरीके से हो जाती है। इधर आओ, ये मकई की फसल है, ये मकई है। ये सर ये जो है ये जानवरों के खाने के काम आ जाएगा, ये आप जैसे और मेरे जैसे लोग, ये छली है, ये अल्लाह ताला ने इसको सात पर्दों के अंदर रखा हुआ है। ऊपर से देख रहे हो कैसी है, सही बात, अब अंदर से देखो कैसी निकलती आ रही है।
सात पर्दों के अंदर होती है, नेचुरल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इकट्ठा नहीं लाना, से एक एक करके लाना से। तो मतलब ये डिफरेंट के अंदर है, ये देखें, ये आपकी लाइव निकल आई। भुट्टा भुट्टा, ये वो है, ये पूरी मक्की है, ये उतर गई है फसल, ये बस अभी उतरने वाली है सारी। क्या बात, ठीक है। ये भुट्टा है, ओ आगे आलू लग गया जी, आलू इन्होंने उखा देते ना अंदर। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੌਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਲੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਹ ਗਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਣੇ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਫੀਡ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੰਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਗ ਨਾਲ ਆਟਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਘੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੰਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ खाना खा के, कहाँ जा रहे हो? खाना खाने, रोटी खा के आ रहे हैं। रोटी खा रही, सरसों का साग, मकई की रोटी, लस्सी, चिबड़ की चटनी, चिबड़ की चटनी और देसी चटनी, देसी चटनी, ये मकई की रोटी, सरसों का साग, सरसों का साग और विद मक्खन, और वो है देसी मुर्गी शेख दा अरसलान।